भजन संहिता 9 विजय के लिए धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मेरे शत्रु पराजित होकर पीछे हटते हैं, वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं। तूने मेरे मुकदमे का न्याय मेरे पक्ष में किया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय किया। तूने जाति जाति को झड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। उनके नगरों को तूने ढा दिया और उनका नाम और निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह जगत का न्याय धार्मिकता से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि जो खून का बदला लेता है वह अपनी प्रजा की सुधि लेता है। वह पीड़ितों और प्रताड़ितों का रोना नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर दया कर, देख मेरे शत्रु मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। तू ही मुझे मृत्यु के फाटकों से बचा सकता है, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हों। जाति जाति के लोग अपने बनाए हुए गड़े में गिर गए। जो जाल उन्होंने छिपाया था उसमें उनका अपना पैर फंस गया है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। हे यहोवा उठ, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन।